तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप जो हैं टेलीग्राम ग्रुप्स में कस्टम यूआरएल इनेबल कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, कोई चिंता वाली बात नहीं, अगर आपके टेलीग्राम ग्रुप में कोई एक मेंबर है या दो मेंबर है या हज़ारों मेंबर हैं, हर एक जना एलिजिबल होता है कस्टम यूआरएल के लिए। तो मैं आपको शो ही करके दिखाता हूँ कि न्यू ग्रुप्स वाले जो हैं वो कैसे कस्टम यूआरएल इनेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये थ्री बार्स पे क्लिक करके न्यू ग्रुप क्रिएट करना है। अगर आपका ऑलरेडी ग्रुप क्रिएटेड है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको फर्दर वीडियो में बताने ही वाला हूँ कि कैसे आप भी जो है कस्टम यूआरएल ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले न्यू ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो मैं क्लिक कर देता हूँ न्यू ग्रुप पर। सो न्यू ग्रुप करने के बाद एक मेंबर ऐड करना एटलीस्ट ज़रूरी होता है ग्रुप क्रिएट करने के लिए। तो मैं ऐड कर देता हूँ एक मेंबर को। तो मैंने ऐड कर दिया एक मेंबर को और ग्रुप का नाम रख देता हूँ मैं YT सर्विस स्टेशन। तो ग्रुप मेरा देखिए क्रिएट हो चुका है फ़िलहाल। तो इसके अंदर मैं अब क्या करना है, मुझे जाना है एडिट की ऑप्शन में, क्योंकि हमें जो है अपना ग्रुप पब्लिक करना है, मैंने जो अपना ग्रुप है वो पब्लिक करना है। तो ग्रुप टाइप में जाऊंगा मैं। ग्रुप टाइप जो है नीचे आप देख सकते हैं सेट फोटो और वीडियोस डिस्क्रिप्शन, उसके नीचे ग्रुप टाइप है। तो आपको उस ग्रुप टाइप पर क्लिक करके अपना ग्रुप जो है वो पब्लिक ग्रुप में शिफ्ट कर देना है। तभी आप देखिए प्राइवेट ग्रुप में आप एलिजिबल नहीं होते कस्टम यूआरएल के लिए, बट आप पब्लिक ग्रुप में एलिजिबल होते हैं कस्टम यूआरएल के लिए। सो मैंने अपना ग्रुप पब्लिक कर दिया है और अपने ग्रुप का जो लिंक है वो मैं रखूँगा YT सर्विस स्टेशन। सो हम लिख देते हैं, देखते हैं। कई बार ये होता है कि आपका जो मनचाहा नाम होता है वो किसी और ने ले लिया होता है पहले, तो आप कुछ ऐसा डिफरेंट सोचें ग्रुप का नेम। तो मेरे वाला तो किसी ने नहीं लिया हुआ था, तो YT सर्विस स्टेशन नाम का मैंने ग्रुप क्रिएट कर दिया है। तो ये देखिए अब नीचे जो है ये इनवाइट लिंक अब मेरा कस्टम लिंक है, ये मेरी मर्ज़ी का लिंक है, मेरा अपना खुद का लिंक है YT सर्विस स्टेशन। आप मुझे इस पर ज्वाइन भी कर सकते हैं, नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप भी ऐसे शेयर कर सकते हैं अपना कस्टम URL किसी के साथ भी। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।